इधर देखो, हाँ ये PV100 कैमरा है। PV100 कैमरा जीवन बस्तु लो जेने के टाइप बस्तु नलो क्यों अपना फ्रंट भिउबाक आम लगे आमार ऊर एने के हाईलाइट हम बस्तु तो हाँ हेतु भिडिओ भिडिओ हिसाब से बस्तु तो हाँ आम जो रेकर्डिंग करूँ तो रेकर्डिंग हम ठीक है और आम जो रेकर्डिंग नक एने स्टील हिसाब से जो स्टेडर्ड रखो हाथ रखो सीटों आमार ऊपर डिपेन्ड करें आम इतना मुखेद क्या अडियो कैसो सेक्शन अडियो आई आस हाँ ये सेक्शन तो अडियो कारण मुखेरे कथ कैसो जो आम सम्मुख आल्टिमेटली बहि आसे हाँ बेकसाइड एक्टर नेचुरल सिनेरी हेरी से कि आम जो इच्छा करूँ नेचुरल सिनेरी तो आम सलनी कर दूर पारे इमर केपासीटी आए ना ना केमेरा आम एडिंग कर लम एडिंग कर लम सो एडिंग कर लम सोने ना जास्ट क्लिक कर चेन्ज हो जा बेकग्राउंड चेन्ज हो जा प्रब्लम ना ठीक है बाकी यार जी ब्राइटनेस कन्ट्रास्ट आसे यार जी पजिशन तो आज फ्रेम साइज फ्रेम रिजल्यूशन सभी आम सब सलनी कर लो आमक और ब्राइटनेस लगे सीट पसिबल आम बस्तु चेन्ज कर लोबा प्रब्लम ना ठीक है और बाकी अपना ये केमेरा और डाँगर खुबी एट कि जे इे सेक्शन तो ये सेक्शन तो जी मेनुख जी आई मेनुख आल्टिमेटली कि है आम प्रयोजन सपेक्षे आम जैसे इच्छा तीन आम व्यवहार करूँ पार ठीक है और यू हल अपना मैंने कि हाँ आम मेनुन आम एक्टिव कर डिएक्टिवेट कर ठीक है यूर हाई तो आम अपना मेनुन ले पार ठीक है इतो अपन आए इतने अपन हाई तो मेनुन ले जा पार ठीक है इते क्लिक कर लो इतने क्लिक कर लोल इतने मेनुन आए आम लगे कि ना गोटेखे अपन एने ठीक है इमें चईस कर लो पार आम एक्सुअलि कि लगे ठीक है जिको बस्तु सिलेक्ट हो गल बस सीखे अपना मानने कि हम अपना एक्जिट तो दबा दिल हम हाँ बस्तु अटोमेटिक सिलेक्ट हम आम कारण इतने ठीक है आमार कारण सबसे डाँगर अपशन तो हम सो जी एल सी डी आए एल सी डी आम टोटेली एने घूरव पार एने आनब पार हाँ जीटे आम कब पार 90 डिग्री मात्र एट क्षेत्र आम सवधान हम लगे सीट हल कि हाँ सीट कि केमेरा तो जैसे अन हो समय आपुनी ना इतने मेमोरी कार्ड सोम ना मेमोरी कार्ड इार ऊल ठीक है जिको कम कर क्षेत्र आपने कि अफ कर ल ঠিক আছে ব্যাটারি খোলাতেই হোক বা মেমরি কার্ড লগাতেই হোক অফ করে লব কিবা কারণ ধরে লাগে দ্বিতীয় স্লট আছে এক নম্বর স্লট আর দুই নম্বর স্লট কিবা কারণ ইয়াতে এক নম্বর স্লটত মেমরি কার্ডখন হ্যাক হইছে অটোমেটিক দুই নম্বর স্লটত কি মেমরি কার্ড বিচাৰি যাব ইয়াতে অটোমেটিক বিচাৰিব আমি বিচাৰ দরকার নাই এটা আমার হেডেক নহয় তার হেডেক হয় হি অটোমেটিক বিচাৰিব পোৱাৰ লগে লগে তাত রেকর্ডিং কৰা আৰম্ভ কৰিব হি ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট কথা হল কি এই ঢাকনটো সদায় এনেকে লগাই ৰাখিব ঠিক আছে আর বাকি এইবিলাক যিবিলাক ফাংচন ইয়াতে আছে এইবিলাক एक हम ट्रेन्सफारिंग कारण आपने इच्छा कर यार भिडिओ ट्रेन्सफार कर पे ठीक है एक HDMI पोर्ट है हाँ इार्पर भिडिओ ट्रेन्सफार कर डायरेक्ट अपना प्लेबेक कर पे केमेरा डायरेक्ट अपना जिको डिवाइस गई जाए जी निकी HDMI सपोर्ट कर ठीक है यू एम अपन ठीक है प्लस इते अपन आए एच डी हल अपना मानने कि हाँ इते अपना यार अडियो आउटपुट पठिया पार अडियो आम इार आउटपुट दु पार यू अडियो इन करें यू अडियो आउट करें ঠিক আছে এইটো এটা অপশন আমাৰ ইয়াতে আছে ইয়াতে আছে আৰু নেক্সট ইয়াতে আৰু এটা ডাঙৰ অপশনটো হ'ল কি যে ইয়াৰ পৰা বস্তুটো আপোনাৰ দি মিলি ধৰি লওক আপুনি আৰু মই মিলি পেলাই এক ঘণ্টা ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলোঁ এক ঘণ্টা ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ পিছত ইয়াত আমি কপি পেষ্ট কৰাৰ কাৰণে এক ঘণ্টা নালাগে আমাৰ খুব বেছি পাঁচ মিনিটতে এক ঘণ্টা ৰেকৰ্ডিংটো আমি কপি পেষ্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ মেমৰি কাৰ্ডখন জাষ্ট এইখন আমি কি কৰিম এইটো আগতে অফ কৰি ল'ব এইটো মে ইয়াৰ ইস্কো অফ কৰি দিয়া অফ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ অফ হৈ গিয়া ইয়াতে অফ কৰাৰ পিছত ইস্কো জাষ্ট সিংগল এইচা কৰি দবালো हाँ एन एनके ऊल्ग जिस कंप्यूटर में लगाओ कॉपी पेस्ट कर लो जो भी है हम लोग का कोई टेंशन नहीं है ठीक है हाँ एक बात है मैं यहाँ से पहले ही बोल देना चाहता हूँ हाँ मैं हिंदी को ऐसे कौन क्या नॉलेज बुझी हूँ हाँ मैं इसीलिए क्या बोलता है पहले एक बात बोल देता हूँ हाँ ये जो मेमोरी कार्ड देख रहे हैं ना कभी कभी ऐसा हो सकता है ये मेमोरी कार्ड आपका वीडियो कार्ड में ये वीडियो कैमरा में डिटेक्ट हो रहा है DSLR में डिटेक्ट नहीं भी हो सकता है ठीक है ना अगर वीडियो कैमरा में ये मेमोरी कार्ड मैंने लगा दिया तो वीडियो का तुम्हारा DSLR में क्या आएगा मालूम है डिमो आएगा जो भी शॉट आप लेगा मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड नहीं होगा वो डिमो हिसाब से रह जाएगा वो शॉट आपको बाद में नहीं मिलेगा आप ये बात ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा तो उपाय क्या है ऐसा सिचुएशन में उपाय वही है जो DSLR कैमरा में इसको लगा के फॉर्मेट कर लेना पड़ेगा तब जाके ये DSLR में फिर से काम करना शुरू कर देगा DSLR में लगा के कंप्यूटर में लगा के नहीं DSLR में लगा के फॉर्मेट करना पड़ेगा
मतलब डी एस एल आर का जो एक्चुअल सेटिंग है वो सेटिंग हट गया है। हाँ, कोई कोई मेमोरी कार्ड है इसमें भी लगाओ डी एस एल आर में लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में आराम से फिटमेंट फाइन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कोई कोई मेमोरी कार्ड आपको मिसगाइड कर सकता है, अगर डी एस एल आर में लगा दिया तो क्या होगा, डिमो आ रहा है आपका सारा फोटो बेकार में जाएगा, लेकिन दिमाग खराब हो जाएगा आपका, ठीक है, वो फोटो सेकेंड टाइम आपको नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, मैंने उसको फिर से ये कार्ड में फिर से घुसा दिया, हाँ, इसको ऐसा दबा के रख दिया, वो चला गया अंदर में, ठीक है ना। मैं उसको लॉक कर दिया, ठीक है, मैं उसको ऑन कर दिया, फिर से यहाँ में क्या होगा, लाइट अप हो गया, वो आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये चीज़ देखिए, ये इसको भी आप जूम के लिए यूज़ कर सकता है, ये जो ऑप्शन जो है ना जूम के लिए आप यूज़ कर सकता है, ये देखिए एक स्क्रीन में देखिए आप, ये देखिए मैं इसको भी जूम के लिए यूज़ कर सकता हूँ, कितना जूम हो रहा है देखिए आप, कितना जूम हो रहा है, और जितना करेगा उतना ही करेगा, ठीक है ना, जितना करेगा उतना करेगा, ये है ধরে পড়েছে বসে তো যিমান লাগে সিমান আমি করব পারি আছো, হ্যাঁ, ইয়ে দেখি অর ঝুম করকে লানা হয় অর ঝুমা রা ডিপেন্ড করতে হয়, ঠিক আছে না, ইয়ে ধীরে করকে চলা যায়গা, ডিপেন্ড করতে হয় ইয়ে ধীরে করকে চলা যায়গা, হ্যাঁ, জিতনা চাই, জিতনা হাই স্পিডে চাই, জিতনা লো স্পিডে চাই, আপকো, হ্যাঁ, ও আপকো মিল যায়গা। আর বাকি ইয়ে দেখি, ইয়ে যে প্রভিজন তো ইয়ে কিস বাত কে লিয়ে, ইয়ে লিড লাইট কে লিয়ে, আপ কবি ভি ইয়াহ পে লিড লাইট লাগা সকতা হ্যায়, এক ছোটা ওলা হোতা হ্যায়, এক বড়া ওলা হোতা হ্যায়, जो छोटा वाला है वो 22.5 का है, और जो बड़ा वाला होता है वो 3.5 का होता है, ठीक है ना, वो तुम्हारा ट्रांजिस्टर पे चलता है, छोटा छोटा ट्रांजिस्टर होता है वहाँ पे, जो लाइट अगर मतलब आपको कम में चाहिए वहाँ पे स्विच होता है, स्विच ऑन कर दीजिए, इसके साथ वो काम करेगा, हाँ, कॉन्स्टेंट मत चलाइए, नहीं तो 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, जब चाहिए तब ऑफ कर दिया, तो ऐसा करके आप एक घंटा चला सकते हो, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट उसको कम कम और ज़्यादा कर सकते हो आप रिजन में, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं तो आप पोर्टल लाइट यूज़ कर दिए, पूरा का पूरा कवरेज चाहिए, ठीक है ना, अम्ब्रेला दूसरा से, ये अम्ब्रेला के लिए नहीं है, हाँ, पोर्टल भी अम्ब्रेला ही है, लेकिन वो पूरा का पूरा फ्लैश देते रहेगा पूरा आपका हॉल में कॉन्स्टेंट, मतलब 2000 1000 हेलोजन लाइट जलेगा अलग अलग एंगल में, वो भी अम्ब्रेला के अंदर में, ठीक है ना, वो लाइट अप करने के लिए पूरा का पूरा एनवायरमेंट को, ठीक है ना, बात तो समझ गए आप, हाँ, और बाकी आपका ये जो शॉट हम लोग ले रहे हैं अभी, ठीक है ना, ये जो शॉट आ रहा है यहाँ पे, ऐसा करके आप जो शॉट ले रहे हैं ना अभी यहाँ पे, ठीक है ना, हो सकता है कि ये इवनिंग का शॉट है, लेकिन इसको आप बदल सकता है, लाइट अप कर सकता है, और फ्रेमिंग अच्छा कर सकता है, जूम इन कर सकता है, झूमत कर सकता है, कोई दूसरा से जिसका ऊपर में आप उड़ा सकता है, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है आपका ऊपर, आप क्या करना चाहता है, छोटा एक चीज़ लेके ऑडियो भी डाल सकता है, अभी हम लोग तो मुख से बोल रहे हैं ना, लेकिन हम लोग ऑडियो भी डाल सकते हैं कुछ और बात के लिए, इसके सामने में और कुछ कीजिए, ये भी हो सकता है, हाँ, तो एक बात है मैं आपको अभी ही बोल देता हूँ, एक बात पकड़ लीजिए, आप रास्ते में खड़ा है, चारों तरफ गाड़ी जा रहा है, ठीक है, मैंने आपको फिक्स करके रख दिया, गाड़ी को बहुत हाई स्पीड में चला दिया, ये शॉट आपने कभी देखा है, धूल पड़ी ने खा दो, हाँ, अपना क्लब मैंने ऐसा फिक्स को ही रखी थी, मैं कि आखे पखड़ जीवन गाड़ी ऐसे बिना हाई स्पीड चला रहे मैं अपनी फिक्स है ऐसे, तो क्यों कैसे कैसे करके फिक्स हो गया, बिल्डिंग फिक्स है लेकिन कारीगरी बहुत हाई स्पीड में जाएगा, कैसे फिक्स है, क्योंकि वो तो एक ही सिंगल शॉट है ना, जो सिंगल शॉट का है वो नेचुरल रहेगा, बाकी जो मल्टीपल शॉट का है वो दौड़ते रहेगा, मूवमेंट में आ जाएगा, तो वही बात है, ये लीड लाइट के लिए है, ठीक है ना, ये खुद का एक फ्रंट लाइट के लिए इमरजेंसी के लिए, और ये फ्रंट का लाइट है, हाँ, उसको ऐसा कर दिए, ऐसा इमरजेंसी के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको ऑफ भी कर सकते हैं, ये माइक्रोफोन के लिए आप माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं, कैमरा का साथ नहीं आएगा, एक्स्ट्रा करके आता है, आपको खरीदना पड़ता है, उसको आप बाहर से खरीद करके यहाँ पे लगा के जिसका भी आपका ऑडियो आप लेना चाहता है ऑडियो आप आराम से ले सकते हैं, यहाँ पे भी घुसा सकता है, यहाँ पे भी घुसा सकता है, डिपेंड करता है आपका ऊपर आप कैसे करके वो करेगा, ठीक है ना, इसको भी ऐसा करके खुल सकता है, पूरा का पूरा आइटम को खुल सकता है माइक्रोफोन को लगाने के लिए, ठीक है ना, बाकी मेन जो मैकेनिज्म है यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन तो है, यहाँ पे जो है यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म तो यहाँ पे नहीं है, मेन मैकेनिज्म तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये वीसीआर रिकॉर्डिंग नहीं है, ये डिजिटल रिकॉर्डिंग है, अगर वीसीआर रिकॉर्डिंग होता था तो यहाँ पे कैसेट होता था, ये डिजिटल रिकॉर्डिंग है ना, इसीलिए हम लोग मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहे हैं। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा, ये जो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया है छोटा छोटा फाइल में आएगा, क्यों आएगा छोटा छोटा फाइल में, इसीलिए आएगा क्योंकि ये एमटीएस फाइल में आ रहा है .mtf, और ये डिजिटल फाइल जब आप रिकॉर्डिंग करेगा फाइल चलता रहेगा, रिकॉर्डिंग स्टॉप तो डिजिटल फाइल भी
एक फाइल क्रिएट करके वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा और आगे के लिए नहीं जाएगा। बात समझ गए ना? कोई भी फाइल करे, जितना भी काम करेगा, एक एक सिंगल फाइल बनाएगा वो, एक एक सिंगल फाइल बनाएगा वो, ठीक है ना। अब हज़ार टू फाइल बनाए, हज़ार टू काम करे, यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, लेकिन हर किसी के लिए एक एक सिंगल फाइल बनाएगा वो, ठीक है ना। और हम लोग को LCD में देख के ही सब कुछ करना है। हाँ हाँ, ज़रूरत पड़ने से एक काम कर सकता है, हाँ इसको मैं अंदर में कर दिया, ठीक है। अगर मैं उसको अंदर में कर दिया तो इससे आप देख सकता है, कैमरा से ले लो, आ रहा है कि नहीं वीडियो, तो देखो आ रहा है, ये इनसाइड है, ठीक है ना। इनसाइड से भी आप अल्टीमेटली व्यू को देख सकता है, आ रहा है ना, आ रहा है। इनसाइड से भी ये वीडियो हम लोग ले सकता है, हाँ ज़रूरत अगर हम लोग को पड़ जाएगा तो, जब भी जरूरत पड़ेगा इनसाइड से लगता है। इनसाइड पहले ब्लैक एंड व्हाइट आता था, आजकल कलर आता है, हाँ। और यहाँ पे ऑप्शन है नाइट शॉट के लिए, आप नाइट शॉट आप अगर ब्लैक एंड व्हाइट में लेना चाहते हैं वो आपका ऊपर डिपेंड करता है, और कलर में लेना चाहते हैं वो भी आपका ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही में हम लोग स्टॉप करते हैं।